जर्मनी, जापान, चाइना, इन सब के कंपेयर में भारतीय रेलवे की एवरेज स्पीड बहुत ही ज्यादा घटिया है। एक तरफ जहां हमारी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आर की है, लेकिन एवरेज स्पीड है केवल 50 किलोमीटर पर आर, तो वहीं जापान की एवरेज स्पीड है 120 किलोमीटर पर आर, जर्मनी की 140 किलोमीटर पर आर और चाइना की 100 किलोमीटर पर आर। और ये हम नॉर्मल ट्रेन की बात कर रहे हैं, किसी बुलेट ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये तस्वीर बदलने जा रही है, केवल 3 साल के भीतर हमारी एवरेज स्पीड भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हो जाएगी। और बस दो ही चीजें हमें चाहिए, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, बस इम्प्लीमेंट करने की देरी है। सबसे पहला तो है फेंसिंग कर देना और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कवर सिस्टम का इंस्टॉलेशन। रेलवे मिनिस्टर भी इसे लेकर बहुत सीरियस है और उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि 2025 तक दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर पूरी तरह से कवर सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अभी 1500 किलोमीटर हर साल कवर किया जा रहा है, लेकिन आने वाले सालों में 2500 किलोमीटर हम कवर करने लग जाएंगे। कवर सिस्टम है तो अच्छा, बस इसमें मुझे एक ही खामी लगती है, जो कि है स्पीड डिटेक्शन की। अब भारत में तो कवर सिस्टम है जो कि 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड को सपोर्ट करता है, लेकिन वहीं जर्मनी की बात करें, ये लोग LZB सिस्टम यूज करते हैं। ये भी कवर जैसे ही पूरा ऑटोमेटिक है, लेकिन ये हाई स्पीड को सपोर्ट करता है, विच इज 250 किलोमीटर पर आर। जापान में ATP सिस्टम यूज किया जाता है, जो कि 270 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए बना हुआ है। और चाइना भी CTCS3 सिस्टम यूज करता है अपनी नॉर्मल ट्रेन्स के लिए, जो कि 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड को सपोर्ट करता है। तो क्यों ना भारतीय रेलवे भी कवच 2.0 जैसा एक सिस्टम तैयार करे, जो कि 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए बना हो। ये इसलिए कारगर साबित होगा क्योंकि आने वाले समय में वंदे भारत के स्लीपर वर्जन लॉन्च किए जाएंगे और इनकी कैपेबिलिटी है 200-220 किलोमीटर पर आर की। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, भारत ने जर्मनी, जापान, चाइना, इन सबको बीट कर दिया है, तो वो है कॉस्ट के मामले में। हमारा कवच सिस्टम सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। और अभी भारतीय रेलवे ने एक और सिस्टम लॉन्च किया है, विच इज मेड इन इंडिया गजरात सिस्टम। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में इसे डिप्लॉय किया जाएगा फॉर 14 एलिफेंट कॉरिडोर। 99.5% एरर फ्री है और ये सिस्टम प्रेशर वेव्स छोड़ता है। बेसिकली ये ऐसे वेव्स छोड़ता है जिससे एलिफेंट डिटेक्ट हो जाता है और ट्रेन 200 मीटर पे ही स्टॉप हो जाएगी। ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, AI पावर्ड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बेस्ड इंट्रूजन सिस्टम इसमें लगा हुआ है। सो भारतीय साइंटिस्ट के ऐसे नए नए सेफ्टी इनोवेशन के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है, और कमेंट्स में जय हिंद लिखना आप मत भूलिएगा।